ये भाई आप किसको इस बार वोट करें बोले तो नहीं सब बहुत हो गया था सब में, हम लोग इस बार कांग्रेस को वोट करें यानी पब्लिक के अंदर अदर देन मुस्लिम। और डिसाइडिंग फैक्ट क्या है मुसलमान है, अगर आप जो डिसाइड करके हमारे में क्या है परसेंटेज भी कम होता है, डिसीजन भी बरोबर से नहीं रहता है। आप एक होकर डिसीजन अगर आज लेके करेंगे तो 26 अक्टूबर कांग्रेस की हुकूमत बनती। आज सर्वे में आप देखे होंगे तमाम सर्वे के अंदर, कोई भी सर्वे ले लो आज कांग्रेस का सर्वे के अंदर कांग्रेस का दिखा रहा कोई भी सर्वे। आज प्रशांत किशोर करके एक जिन है देखे होंगे, जो खास आदमी था बीजेपी का खास आदमी था मोदी का आदमी था, उन्होंने प्राइवेट सर्वे करा कि आज उसका सर्वे का आज वो प्रेस मीट करके कांग्रेस 70% से 70% नहीं, वो गलत कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। और ये भी आंध्र तेलंगाना, तेलंगाना में आने के बाद मालूम हुआ कि तेलंगाना के अंदर जो मुसलमान को जो हक मिलना चाहता वो हक नहीं मिला है करके तेलंगाना के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये सोशल मीडिया में भी वायरल घूम रहे हैं कि 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन देते करके, आज कुछ 2 साल हो गया अभी तक आप रिजर्वेशन नहीं दिए बोले तो उसको बैठ जो बैठ मेरे को मालूम है करके उसको जबरदस्ती बिठा था उसको। तो तेलुगु में कोई भाई उनका पूछता साथ में रहने वाला भाई वो क्या पूछ रहा है बोले तो वो उसको 12% चाहिए बोलते कहाँ से देते 12% ए बैठ तू बोलता। वो नौजवान फिर उठ के बोलता है केसीआर साहब मुख्यमंत्री साहब मेरा हक मांग रहा हूँ, मेरा हक मांगने के लिए गलत क्या है, मेरा हक मांगना गलत है क्या बोले तो ए तू चुप भाई तेरे नहीं तेरे बाप से मैं बात करता हूँ करके केसीआर साहब किस तरीके से बात करते हैं यानी उसका अंदाजा लग जाता है कि मुसलमानों से उनको चार देते ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। पब्लिक के अंदर इस तरीके से बेइज्जती कोई करता है पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर इस तरीके से बिजी करता है। माइनॉरिटी जो ग्रांट होता है ना आप गूगल में चेक कर सकते हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप गूगल में आज क्या बहुत फास्ट है, आज गूगल में कोई भी नौजवान बैठ के गूगल में चेक कर सकता है। कोई भी स्टेट में देखो बजट जब होता है सालाना क्या करते हैं, कोई भी बजट रख दो सालाना क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। अभी तेलंगाना मती में भी इधर मेरे ख्याल से अच्छे से माहिर है वो, तेलंगाना का जो बजट है ना 10 साल से जो है ना 2200 करोड़ के ऊपर बजट बढ़ाया नहीं गया। क्यों बढ़ाया नहीं गया? पॉपुलेशन बढ़ते जा रही, 2011 की सेंसस के हिसाब से हमारा 37,000 के अंदर 75% इंक्रोचमेंट है। यही हुकूमत जो है ना ITBT को सब अलर्ट करके आवाम चाह रही कि कांग्रेस हुकूमत आना, गरीब की भलाई होना तो कांग्रेस हुकूमत आना करके आवाम चाह रही है। 24 सत्य हम जीते गए उम्मीद है, मगर उससे ज्यादा हमारे को कोसा टार ये है जो हमारे को 24 का। अगर ये अभी कर्नाटक जीतने से क्या हुआ, इधर हाई वोल्टेज करंट आया कि नहीं आया तेलंगाना में, अभी इधर जीतेंगे क्या होगा उनका करंट उठ जाएगा, दिल्ली का बीजेपी का हेडक्वार्टर का करंट उठ जाएगा। तो वो मायने रखे तुम इधर से जिताएंगे देश में एक अलग माहौल आ जाएगा। कि पेंशन का 4,000 करके अभी क्या हो गया, सास को 4,000 रुपए पेंशन मिल रहा करके बहुत नाराज थी, बहु नहीं नाराज होना बेटी नाराज नहीं होना करके 2,500 उसको भी कर दिया 500 रुपए। तुम्हें अपने निगर को बोल को मधुयश के वास्ते नको, जमीर अहमद खान के वास्ते नको, कांग्रेस के वास्ते नको, देश की अमन सुकून के वास्ते 6 दिन कौम की भलाई के वास्ते निकालो तुम्हें उसका अजर तुमने दूसरा मिलता। मैं बोलता नहीं अजर उसका मिलता तुमने जरूर मिलता, और इतना तुमने लोगों को वादा इतनी भी जिम्मेदारा बैठी आज तुम्हें लोग दिन रात मेहनत करके तुम्हें कांग्रेस पार्टी को जिता लेको, वो जो भी मेहनत करके जिता ले करती उसका तुमना नहीं अदा करता, चार गरीबों को मदद करके अदा करके देते, देने वाला कौन अल्लाह। यकीन क्या जमीर अहमद खान आपको चेहरा दिखा चलेगा मुसलमान पूरे वन साइड वोट डालती करके इनका एक भरोसा भरोसे से बुला दे। अभी लोग क्या करती हाँ हाई कमांड के पार्टी हमारे नाम अब एक भरोसे से बोले आप मुखाफियों को पूरे जिम्मेदार अच्छी मस्जिद के आलमोस्ट मस्जिद के जिम्मेदार अच्छी इसके पहले बोलिया 1,000 वोट डालने की ताकत रहेगा। साहब जमीर साहब खाली आधे घंटे जुम्मा नमाज पढ़ को खाली आधे घंटे कहा था को जिम्मेदार से बात करो, मुसलमान पूरे वन साइड होकर वोट डाले तो ये जमीर अहमद खान को तुम्हें ताकत भरे सरकार तुम्हें कम से कम कर दे। क्या करती मोदी शिकोड़ा साहब राहुल गांधी फोन करके बोलते हैं जमीर साहब को हमें उम्मीद में बुलाया था
जमीर साहब आने के बाद भी क्या भी फायदा नहीं होगा तो तुम्हारे बच्चे जमीर अहमद खान को तुम्हें खत्म करे सरकार खत्म करती है इंशाल्लाह। 26वीं सदी बोलता हूँ कांग्रेस हुकूमत आने से कौन भी मई का लाल रोक सकता थी।